संदेश खाली में कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन का असर अब साफ नजर आने लगा है। सरकार को आखिरकार ग्रामीणों की आवाज सुन नींद से उठना ही पड़ा। दरअसल संदेश खाली में जबरन कब्जा की गई जमीन पर अब एक्शन हो रहा है और उसके असल मालिक को जमीन लौटाई जा रही है। अब तक संदेश खाली में 61 लोगों को जमीन लौटा दी गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के अशांत संदेश खाली में बीते कुछ समय से टीएमसी नेता शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके समर्थकों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद से ही संदेश खाली को लेकर संग्राम जारी है। सरकारी कैंप में जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत मिलने के बाद से प्रशासन जांच में जुटा है। इसी जांच के क्रम में 61 लोगों को जमीन का मालिकाना हक लौटाया गया है। ये जमीनें 22 से 24 फरवरी के बीच वापस की गई हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने ग्रामीणों की जमीन हड़पने के आरोप में उत्तरी 24 परगना जिले के अशांत संदेश खाली से तृणमूल कांग्रेस नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया था। एक अधिकारी ने बताया कि फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी सहयोगी माने जाने वाले मैती को रविवार शाम को एक व्यक्ति के आवास से हिरासत में लिया गया, जहां उसने ग्रामीणों द्वारा पीछा किए जाने के बाद खुद को 4 घंटे से अधिक समय तक बंद कर रखा था। उन्होंने ये भी बताया कि 70 से ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अधिकतर शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शाहजहां उनकी जमीन के जबरन अधिकरण और स्थानीय महिलाओं पर अत्याचार में सक्रिय रूप से शामिल था। मैती को गिरफ्तारी से करीब 24 घंटे पहले ही टीएमसी ने शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन को जगह पार्टी की क्षेत्र इकाई का अध्यक्ष बनाया था। पुलिस के मुताबिक जमीन पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में मैती से रात भर पूछताछ की गई और सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोप लगाया गया है कि मैती ने शाहजहां के प्रभाव में आकर संदेश खाली के बर्मादजूर इलाके के कई भूखंड पर कब्जा किया था।